السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Debugging of NHRP message, registration request and registration reply. Previous video में हमने discussion किया है कि registration request और apply क्या होता है. उसमें हमने बताया था कि जब कभी भी कोई भी आपके पास spoke के ऊपर हम NHRP को एक्टिवेट करेंगे, तो NHRP को एक्टिवेट जो करेंगे तो हमने बताया था टनल पे जाने के बाद यू हैव टू अप्लाई दी वन कमांड IP NHRP नेटवर्क ID और जो भी ID का नंबर हम डालना चाहते हैं, दैट इज़ लोकली सिग्निफिकेंस. इसके बारे में एक अलग से वीडियो इंशाल्लाह डिस्कशन में आएगा. तो यहाँ पर हर एक स्पोक के ऊपर या किसी भी स्पोक के ऊपर IP NHRP नेटवर्क ID जब कमांड डाला जाता है तो वो आपके पास रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट भेजता है कि माय ओवरले IP एड्रेस इज़ दिस वन, यानी प्राइवेट IP डेस्टिनेशन का ये, और मेरा NBMA एड्रेस आपके पास ये. लेकिन वो किसको भेजे इसके लिए हमने हर एक स्पोक के अंदर IP NHRP NHS और उसके बाद NHS का जो प्राइवेट IP एड्रेस है ओवरले वो डाल के रखा होता है, और कैसे हम पहुँचेंगे NHS के ऊपर उसके लिए हमने IP NHRP मैप कमांड डाल के रखी होती है, जिसमें प्राइवेट IP एड्रेस NHRP का और उसके ग्लोबल के साथ में मैप करके हमें रखा होता है. तो ये हमने ऑलरेडी अभी डिस्कशन आपके सामने किया था, और इस हमने बताया था कि अगर किसी टनल के ऊपर R3 के टनल के इस इंटरफेस के ऊपर IP NHRP NHS हमने ये IP एड्रेस डाल दिया, अब कैसे यहाँ रीचेबल किया जाए, तो इसका ये जो आपके पास IP एड्रेस है 10.1.1. आपके पास जो 1 है ये ओवरले आपके पास IP एड्रेस है, ये ओवरले आपके पास IP एड्रेस है प्राइवेट, और ये आपके पास NBMA और ये NBMA आपके पास IP एड्रेस है. इस कमांड को जो टनल के ऊपर है आपके पास IP NHRP नेटवर्क ID 2, इसको मैंने अभी हटा के रखा हुआ है, और आपके सामने इस कमांड को हम डालेंगे ताकि हम देख सकें कि वो डीबगिंग में कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन भेज रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए. तो हम R1 पे और R3 पे डीबग IP NHRP कमांड चला के रखेंगे. तो यहाँ पर हमने R1 के ऊपर एक कमांड चलाया डीबग NHRP, चूँकि यहाँ पर उसकी रिक्वेस्ट पहुँचेगी डीबग NHRP, और एक कमांड हमने आपके पास R3 के ऊपर डीबग NHRP कमांड चला दिया, और R3 से के ऊपर अभी हम देखते हैं शो DMVPN. यहाँ पे अभी आपके पास कोई टनल फॉर्म नहीं होगी, शो DMVPN इसके ऊपर कोई टनल आपके पास अभी फॉर्म्ड नहीं है, और यहाँ पर R3 के ऊपर कोई DMVPN की टनल मौजूद नहीं है, स्टैटिकली होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास R4 पर शो DMVPN के अंदर टनल मौजूद है, R5 के ऊपर भी मौजूद है शो DMVPN के अंदर. तो हमने R3 से उस IP NHRP नेटवर्क ID कमांड को हटा दिया है. अब यहाँ पर मैंने R3 पर जाने के बाद कॉन्फ़िगर टनल में जाने के बाद इंटरफेस टनल 0, नाउ आई एम अप्लाइंग दी कमांड IP NHRP और ये नेटवर्क ID 2. जैसे ही मैं आपके पास एंटर करूँगा यहाँ पर, इसके एंटर करते ही व्हाट विल हैपन कि ये जो आपके पास राउटर है R3 भेजेगा आपके पास टूवर्ड्स दी R1 NHRP रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट NHRP REGISTRATION रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट भेजेगा, और इस रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट में आपके पास वो अपना जो IP एड्रेस है source IP एड्रेस भेजेगा 23.1.1.3, और डेस्टिनेशन जो IP वो भेजेगा वो 12.1.1.1 भेजेगा, बट ये आउटर हेडर होगा. इसके इनर हेडर में मैं बता चुका हूँ कि इसके अंदर इनर हेडर में सोर्स 10.1.1.3 जा रहा होगा, और डेस्टिनेशन आपके पास 10.1.1.1 जा रहा होगा. अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास जब ये रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट आपके पास आ जाएगी, तो ये R1 R3
3 की तरफ भेजेगा NHRP और REGISTRATION रजिस्ट्रेशन रिप्लाई, इसको हम जो इंशाल्लाह डीबग के अंदर भी देखेंगे और पैकेट कैप्चर करके भी जीनस में दिखाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको आपके पास एंटर किया, ये इन्फॉर्मेशन भेजेगा। अब ये जो इन्फॉर्मेशन भेजेगा इसको कैप्चरिंग के लिए हम इंतज़ाम कर लेते हैं कि यहाँ पे R1 राउटर के ऊपर हमने राइट क्लिक किया, ये कैप्चर कर दिया हमने R1 का 0/0 पोर्ट, और R3 जो आपके पास राउटर है उसको भी हम कैप्चर करते हैं R3 का, इसको भी हमने कैप्चर किया R3 का 0/0। ठीक, तो यहां से अब मैंने इसको एंटर किया, जैसे ही मैं यहां पे एंटर करूँगा R3 के ऊपर, यहां पर डिबगिंग कमांड ऑलरेडी चल रहा हुआ, तो यहां पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास गई हैं कि R3 ने अगर हम देखते हैं तो उसने रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट सेंड किया है और रजिस्ट्रेशन आपके पास ये रिप्लाई रिसीव हुआ है, और ये इन्फॉर्मेशन R1 पे रजिस्ट्रेशन उसको रिसीव रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट हुआ है और इसने जो सेंड किया होगा वो रजिस्ट्रेशन आपके पास रिप्लाई किया होगा। तो यहाँ पर हम इसको जो कैप्चरिंग है इसको स्टॉप कर देते हैं ताकि आपको रीड आउट कराने में आसानी हो सके। तो यहाँ पर हमने कर दिया और यहाँ पर इसको हमने NHRP के थ्रू फिल्टरिंग कर लिया और दूसरे के अंदर भी हमने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया NHRP। तो अगर हम देखते हैं R3 में, यहाँ पर तो R3 में इसने जो है यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन भेजी है वो हम दिखाते हैं। इसने इन्फॉर्मेशन भेजी है सेंड रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, तो इसने जो सेंड रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट भेजी है ये देखिए, ये R3 के ऊपर हम कैप्चरिंग कर रहे हैं, ये R3 की आपके पास आउटपुट है और R1 जो आपके पास राउटर था और बीच में आपके पास क्लाउड है और यहाँ पर आपके पास R3 है। इसका जो एड्रेस है आपके पास वो 23.1.1.3 है और इसका जो एड्रेस है आपके पास वो 12.1.1.1 है। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन गई है R3 आपके पास, हम इस राउटर पे चेक कर रहे हैं अभी, यानी इस वाले राउटर के ऊपर। तो डीबगिंग के अंदर भी हम देख रहे हैं कि इसने रजिस्ट्रेशन जो आपके पास सेंड किया है वो रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट सेंड किया है वाया टनल के थ्रू। सोर्स IP एड्रेस जो इंटरनली आपके पास पैकेट में जा रहा है वो 10.1.1.3 है, यानी जो R3 का 10.1.1.3 होगा, और ये जो डेस्टिनेशन है ये NHS का आपके पास टनल का IP एड्रेस है 10.1.1.1। तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आपके पास गई है तो वो गई है आपके पास NHRP और REGISTRATION रजिस्ट्रेशन REQUEST। ये जो रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट है अगर हम देखते हैं तो ये आपके पास ये वाली रिक्वेस्ट है जो जा रही है, जिसमें सोर्स IP एड्रेस आपके पास ये दिखाया हुआ है और डेस्टिनेशन ये दिखाया हुआ है जो आउटर आपके पास हेडर है। वहां से जो वापस आएगा तो R1 आपके पास इसको भेजेगा R3 को, तो वो आएगा रजिस्ट्रेशन रिप्लाई। तो अगर हम यहां देखते हैं तो इसने रजिस्ट्रेशन रिप्लाई रिसीव किया है, रिसीव रजिस्ट्रेशन रिप्लाई, तो रिसीव रजिस्ट्रेशन जो रिप्लाई है आपके पास, ये आपके पास रजिस्ट्रेशन आपके पास रिप्लाई रिसीव आपके पास किया गया है। तो यहाँ पर आपके पास ये है NHRP REGISTRATION रजिस्ट्रेशन REPLY रिप्लाई। तो ये नीचे वाला आपके पास जो है ये हम देखते हैं कि सोर्स IP एड्रेस आपके पास ये बना है और डेस्टिनेशन आपके पास ये बना है, ये आपके पास रजिस्ट्रेशन आपके पास रिप्लाई है। ठीक है, तो अब
ये जो इन्फॉर्मेशन आरथी ने भेजी है उसके रेस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं जो R1 ने उसने क्या इन्फॉर्मेशन गेन की है, तो यहाँ पर अगर हम जाते हैं R1 की तरफ, तो R1 में उसी पोजीशन यहाँ पर हम R3 पे हम देखते हैं, R1 पे हम जाते हैं तो R1 पे इसने रजिस्ट्रेशन रिसीव किया है, पहले रिसीव रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, तो R यहाँ से हम जाते हैं, ये आपके पास जो है सोर्स आईपी एड्रेस आपके पास ये है R3 का 23113, और ये दूसरा वाला है आपके पास R1 की आउटपुट। ये आपके पास R1 की आउटपुट है, इसने जो रिसीव किया है आपके पास रजिस्ट्रेशन आपके पास रिक्वेस्ट R1 ने, सोर्स आईपी एड्रेस ये है, डेस्टिनेशन आपके पास ये है, और जो भेजा है वो आपके पास ये रजिस्ट्रेशन रिप्लाई भेजा हुआ है। अब इसके रेस्पेक्ट में हम अगर हम यहाँ देखते हैं ये देखिए आर अगर हम वन पर देखते हैं R1 पे, तो जब आपके पास R3 ने R1 के पास इंफॉर्मेशन भेजी है NHRP रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, तो इसने रिसीव किया है NHRP आपके पास रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, तो उस रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट में जो R3 ने बताया होगा कि मेरा जो VP आपके पास NID है वो आपके पास कितनी है, वो 10.1.1.3, और मेरा जो NBMA है वो इसने बताया माई NBMA इज़ कितना 23.1.1.3। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो इसने ये आपके पास ऐड कर रहा है, आपके पास अगर हम देखते हैं कि टनल ऐड जो पॉइंट किया जा रहा है, ये VPN आपके पास जो ID है, ये VPN ID आपके पास ये है जो ये ऐड कर रहा है, और ये NBMA का जो एड्रेस है आपके पास 23.1.3 ये वाला एड्रेस आपके पास ही आ रहा है। तो यहाँ पर इसने आपके पास रजिस्ट्रेशन रिप्लाई जब किया होगा, तो ये रजिस्ट्रेशन रिप्लाई भी यहाँ लिखा होगा कि हमने रजिस्ट्रेशन रिप्लाई कर दिया, और रजिस्ट्रेशन रिप्लाई के अंदर इसने ये मेंशन कर दिया कि हमने जो रजिस्ट्रेशन आपके पास रिप्लाई किया है, तो R1 का आपके पास जो टनल का जो IP एड्रेस है R1 का वो ये है, जबकि आउटर जो हेडर है हमारे पास रिप्लाई में ये भेजा जा रहा है, और जो डेस्टिनेशन है वो है 10.1.1.3, तो जो 10.1.1.3 है ये 23.1.3 इसका आउटर हेडर जा रहा हुआ। तो ये था आपके पास रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट और रजिस्ट्रेशन रिप्लाई। और एक मैसेज और है कि अगर यहाँ पर हमने जो भी R1 के ऊपर कमांड डाल रखा है नेट NHRP को एक्टिवेट करने के लिए, उसको अगर हम हटाते हैं तो यहाँ से पर जी या पुर्ज मैसेज ही भेजता है, यानी क्लियर करने के लिए एंट्री को, तो यहाँ से इसने अगर हम देखेंगे तो इसने एक पुर्ज मैसेज भेजा है सोर्स आईपी एड्रेस ये और टनल की तरफ, और टनल के पास जो आपके पास हब की तरफ नेक्स्ट ऑफ सर्वर की तरफ, और R1 के पास ये आपके पास मैसेज रिसीव भी हुआ है। R3 के पास से एंट्री अगर हम देखेंगे तो इस वक्त जो है शो DMVPN के अंदर वो आपके पास शो DMVPN के अंदर हम देखेंगे एंट्री आपके पास हट चुकी है। तो ये जो टेबल जो स्टैटिकली फॉर्म्ड होती है बेसिकली NHRP एक्टिवेशन कमांड की थ्रू होगी, जब हम इंटरनल के ऊपर IP NHRP नेटवर्क और वो स्पेसिफिक ID डाल देते हैं जो कि लोकल टू दी रूटर होती है। तो ये थी आपके पास NHRP रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट और रजिस्ट्रेशन रिप्लाई के बारे में डिस्कशन। थैंक यू सर।